हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 65th बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है, करीब करीब आज से 30 दिन बाद है जो स्टार्ट होने वाला है 65th बीपीएससी मेंस। दोस्तों, 30 दिन के अंदर में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो 64th बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चंस को कैसे लिखा जा सकता है और उस पर जो क्या नंबर मिल सकता है, ये आप लोग जज कीजिएगा। मेरे तरफ से मैं अपनी कोशिश किया हूँ कि उस तरह से लिखने का। तो दोस्तों, एक ऑफर भी हम देना चाहते हैं कि उस तरह से अगर आप आंसर लिखते हैं तो कितना आंसर होना चाहिए। आप अपने स्तर से भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना है जो नंबर मिलना चाहिए, ताकि जो आप भी असेसमेंट कर सके कि हाँ, अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो कितना नंबर है जो हमें मिल जा सकता है। तो दोस्तों, ये 65th बीपीएससी का GS2 का पेपर था दोस्तों। उसमें क्वेश्चंस था कि जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती, तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता, इस कथन की टिप्पणी करने। क्वेश्चंस है दोस्तों कि एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती, तब तक आर्थिक विकास को उसको सही रूप में नहीं देखा जा सकता, इस कथन की टिप्पणी करें। टिप्पणी करने का मतलब है दोस्तों कि आपको बैलेंस आंसर लिखना है दोनों पक्ष में जाके। टिप्पणी एक साइड में आपको पॉजिटिव नहीं कर देना है और दूसरे साइड में ज्यादा निगेटिव नहीं कर देना है। हम एक असेसमेंट के तौर पर इस क्वेश्चन को लिखेंगे कि हाँ, अगर है जो जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध अगर की जाती है तो है जो आर्थिक विकास को उसको सही रूप में नहीं देखा जाता। ऐसा क्वेश्चन है जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ बैलेंस करके इस क्वेश्चन को दिया गया है, तो आपका आंसर भी है जो उसी दोनों रूप में है जो आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जब भी भूमिका लिखिए या जब भी इंट्रोडक्शन लिखिए, तो आप है जो इंट्रोडक्शंस इसी पार्ट में से निकालने की कोशिश कीजिए। कहे कि इंट्रोडक्शंस जो होता है, क्वेश्चंस के अंदर में जो छिपा हुआ चीज है, जो हिडन एरिया होता है, उस एरिया को निकाल के है जो आप भूमिका में है जो आप डालिए, तब है जो आपका एक क्रिप्स है जो बनेगा। आप हिस्ट्री मत लिखिए, आप मैंने जो डेटा है उस डेटा को थोड़ा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डेटा ज्यादातर बॉडी पार्ट में यूज होता है। आप है जो वहाँ क्रिप्स है जो 5 लाइन का आप है जो इंट्रोडक्शन दे के निकलिए, ताकि जो एग्जामिनर आपको सोचे कि हाँ, ये चीज लिखा है, उसके आगे इसका क्या प्रतिबिंब बनने वाला है। बोला जाता है दोस्तों कि जो भूमिका होती है वो प्रस्तावना होती है, पूरा क्वेश्चंस का आपका एक प्रस्तावना, एक प्रतिबिंब है जो आपको यहाँ दिखाई पड़ता है आपके भूमिका में। तो दोस्तों, भूमिका को जरूर है जो आप लिखिए। और दूसरी चीज कि जब आप क्वेश्चंस आंसर जब लिख रहे होंगे, तो आपके पास जितना नॉलेज है वो नॉलेज है जो इस पे है जो नहीं ज्यादा डालिए। आप है जो इसको बैलेंस करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि है जो आप है जो उसको एक 400 वर्ड 450 वर्ड में उसको खत्म करिए। नहीं तो एक पार्ट को पूरा है जो आप 2-2.5 पेज में चले गए, दूसरा पार्ट है जो आपका 10% रह गया, तो कहीं ना कहीं है जो वहां भी है जो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम जो भूमिका देखते हैं, इसी भूमिका में से हम इसको निकालने की कोशिश किया कि किसी देश की जनसंख्या, अगर क्वेश्चंस को अगर तोड़ते हैं दोस्तों, तो जनसंख्या, आर्थिक विकास और इसका है जो इस पे टिप्पणी, यही 3 पार्ट में क्वेश्चंस को आपको लिखना है। तो किसी देश की जनसंख्या उसकी पूंजी होती है दोस्तों, किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है जो उस देश की पूंजी होती है। अगर उसको सकारात्मक में अगर ले लिया जाए तो उस देश है जो आर्थिक विकास कर जाता है। अगर उस जनसंख्या को अगर स्किल नहीं किया जाए, अगर सरकारी योजनाओं अगर सही तरह से नहीं किया चलाया जाए, तो कहीं ना कहीं है जो नकारात्मक होती है। तो दोस्तों, कहा जाता है किसी भी देश की जनसंख्या उसकी पूंजी होती है, आर्थिक विकास के लिए उत्पादन, उपभोग और निवेश, ये तीनों इतना क्रिप्स है दोस्तों कि आप है जो तीनों जो पॉइंट है, उस तीनों पॉइंट को जो आप देखिएगा, तो अगर उत्पादन होगा, अगर उपभोग अगर होगा, अगर उससे जो बचेगा वही निवेश होगा और वही आर्थिक विकास के लिए है जो काम करेगा। तो आप है जो सबसे छोटा में उसको है जो निपटने की कोशिश कीजिए कि आर्थिक विकास के लिए उत्पादन, उपभोग और निवेश एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारत के संदर्भ में इसकी असंतुलित होने के कारण इसकी प्रभाव सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक रूप में पड़ता है, जिसके कारण भारत की जो आर्थिक समस्या का स्वरूप है जो देखा जाता है। ये एक क्रिप्स भूमिका के रूप में है जो इसका है जो भूमिका आप लिखिए, ताकि है जो एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है।
उसके आगे में जब बढ़िएगा दोस्तों, तो एक है जो मैपिंग, अगर आपके दिमाग में बैठ रहा है तो मैपिंग कीजिए, और इस यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया एग्जामिनर को तो आप यहाँ समझाने की कोशिश कर दीजिए थोड़ा सा नीचे में आके, कि अगर जनसंख्या है तो अगर किसी देश का उत्पादन अगर ज़्यादा हो रहा है, उपभोग अगर कम हो रहा है, तो निवेश है जो निश्चित रूप से है जो बढ़ेगा, निश्चित रूप से है जो निवेश है जो बढ़ेगा, निवेश होगा तो आर्थिक विकास की समस्या है जो कहीं ना कहीं है जो एक नए रूप में है जो देखा जा सकता है। अगर निवेश अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से उस देश की आर्थिक विकास एक नई रूप में, एक नई प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। तो यह है दोस्तों कि आप यहाँ एक है जो आप पिक्टोरियल फॉर्म में भी है जो आप यहाँ बना के दिखा सकते हैं कि उत्पादन अगर किसी देश का है, अगर उपभोग कम है, तो निश्चित रूप से निवेश है जो बढ़ेगा, और यह है जो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को है जो कहीं ना कहीं है जो सकारात्मक भूमिका में देखेगा। जब आपके निवेश बढ़ेगा तो आर्थिक विकास बढ़ेगी, आर्थिक विकास बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी तो पूंजी बढ़ेगा, और पूंजी बढ़ेगा तो एक सशक्त देश के रूप में है जो उभरिएगा। तो अब एक है जो इसको पिक्टोरियल फॉर्म में, इस तथ्यों से पता चलता है कि जनसंख्या अत्यधिक हो, उत्पादन उसी आधार पर होना चाहिए, नहीं तो निवेश की समस्या आएगी और जनसंख्या बुरी तरह जो प्रभावित होगा। दोस्तों इसका है जो आप क्रिप्स है जो थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, क्रिप्स लिखने के बाद है जो आगे बढ़िए थोड़ा सा 1990 और 2001 के बाद, एक 2001 से लेकर वर्तमान 2090 हमारे पास जो आत्मनिर्भर, हम 2001 में अगर खाद्य खाद्यान्न संकट की बात करें तो 2001 में हमें जो आत्मनिर्भर बन गए थे द्वितीय हरित क्रांति के बाद, काहे कि जो कृषि का जो जीडीपी का हिस्सा था जो धीरे धीरे गिरते हुए है जो 16% पे आ गया, कहीं ना कहीं जो कृषि में विकास की नकारात्मक दर धीरे धीरे घटती आ रही है, जिसके कारण है जो जीडीपी का जो हिस्सा है जो कम होते जा रहा है। तो हम यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो डेमोग्राफी डिविडेंट है, जो इसकी सबसे बड़ी जो क्वेश्चंस का डिमांड के अंदरूनी भाग है उस पर जो हम यहाँ फोकस करेंगे, विकसित देश और विकासशील देश की स्थिति को बता देंगे, 1, 2, 3 और ए उम्र है 14 वर्ष तक। कहा जाता है कि 14 वर्ष तक है जो किसी भी क्षेत्र में है जो काम नहीं करता, आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक है जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, 14 से 59 वर्ष, इसके बाद 15 से 59 वर्ष तक है जो श्रम की स्थिति में आता है जो काम करके है जो पैसा कमाते हैं और उनके ऊपर है जो निर्भर होता है, और 59 के जो ऊपर होता है जो 60 के ऊपर जो सीनियर सिटीजन की बात किया जाता है वो है जो 60 से 65 होता है। तो अगर विकसित देश में क्या होता है दोस्तों कि 1+3=2, अगर निर्भरता है जो कम हो जाती है, अगर यहाँ पर निर्भरता कम होगी तो निश्चित रूप से है जो निवेश से जो बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो सकारात्मक भूमिका होगी, और यहाँ पर है जो विकासशील देश के साथ ही स्थिति उल्टा हो जाता है कि इस पे है जो ज्यादा बोझ आ जाता है, और ज्यादा बोझ इसमें है जो कुछ श्रम, अभी जानते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भी है जो दिया है कि भारत के पास 60% है जो युवा जनसंख्या, अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में अभी है जो 19 वर्ष उम्र का है जो सबसे ज्यादा युवा है, और इस अगर मैंने अगर थोड़ी सी और चर्चा किया जाए तो 30% इस बार के चुनाव में जो थोड़े से है जो हल्का सा डाइवर्ट कर रहे हैं दोस्तों, एक डेटा है इसीलिए आप बता रहे हैं, 30% जो जनसंख्या है इस बार वो है जो टोटल मतदाता का 23% है जो युवा है। तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बिहार की जनसंख्या है जो अभी संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, अगर इसको स्किल्ड नहीं किया गया तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं है जो इसकी स्थिति है जो और खराब हो जाएगी। और एक 2015-36 रिपोर्ट है जो बिहार सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है कि 2036 में है जो ये युवा वर्ग के 28 वर्ष हो जाएगा एवरेज उम्र, तो कहीं ना कहीं जो समस्या है जो बढ़ती चली जाएगी। यहां पर है जो डेमोग्राफी डिविडेंड की चर्चा करके थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आगे है जो इसको स्किप कर जाइए, आप इसको है जो यहां पर जरूर है जो इसको दिखाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों हम आंसर को इसलिए बता रहे हैं कि कम समय में आपकी तैयारी है जो कैसे बढ़ जाए, कम समय में आप है जो किसी भी चैप्टर्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको जो कैसे क्रिप्स किया जाए, उसको कंसाइज कैसे किया जाए, उस क्रम में आज हमें जो एक नया है जो एक फॉर्मेट लेके आया ताकि है जो आपके लिए है जो सहायक हो और आप अपनी जो जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं उस क्षेत्र में आप है जो सफलता पाएं। दोस्तों जनसंख्या को संतुलित करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम, हमें फालतू की बातों को लिखना नहीं है, आप बहुत जानते हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आप 400 वर्ड में उसको क्रिप्स नहीं कर पाए तो वो नॉलेज है जो निगेटिव है जो चला जाएगा। तो आपको 400 वर्ड के क्रिप्स करना है, कैसे है जो करना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
तो इस स्थिति से निपटा जा सके। जनसंख्या का संतुलित करने के लिए भारत विकासशील देश के श्रेणी में आता है, 17.4% जनसंख्या रहती है। थोड़ा सा वर्ल्ड के सिनारियों से भी जोड़ दिया, ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा हमें जो डेटा देके आगे बढ़ेंगे। कृषि की अपार संभावना होने के बावजूद जीडीपी में 60.4% हिस्सेदारी रह गई है, धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा जनसंख्या वृद्धि के कारण जिसका जो आर्थिक विकास, अशिक्षा होना, सरकार की नीतियों की कमी, असंतुलित सामाजिक परिवेश, पुत्र प्राप्ति की उत्तरदायित्व, 5-ईयर प्लान जो लाया गया था उसमें भी है जो इस पे जो जोर नहीं दिया गया। तो आप है जो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा अगर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख के आपको निकल जाना है। इसके कारण अब क्या हुए, कारण हुआ कि जनसंख्या अधिक हुआ, उत्पादन कम हुआ, इसका प्रभाव क्या क्या हुआ, कुपोषण, समझ गए, गरीबी, रोजगार, निवेश कम। अगर मान लीजिए कि जनसंख्या अधिक हो गया और उत्पादन कम है तो कुपोषण, खाना नहीं मिलेगा, गरीबी होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, निवेश कम होगा और कहीं ना कहीं है जो उस देश की अर्थव्यवस्था पे आर्थिक प्रभाव इतना पड़ेगा कि आर्थिक विकास में जो रुकावट आ जाएगा, जो सामाजिक परिवेश है कहीं ना कहीं है जो नकारात्मक है जिस स्थिति में आ जाएगी। और इसी क्वेश्चंस का जो क्रिप्स 2-3 पार्ट में वो है जो उसको हम डालने की कोशिश किए हैं। इसके बाद एक गार्टन रिपोर्ट कहता है, अब जो तकनीकी रूप से जोड़ा जाए, इस समस्या से समाधान नहीं किया गया तो आने वाला समय वैश्वीकरण के परिवेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल वर्ग जैसी तकनीक और आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी, क्योंकि अनस्किल की समस्या बढ़ती जाएगी जिसका बोझ है जो उसके ऊपर है जो नकारात्मक पड़ेगा। तो एक यह है जो दोस्तों एक रिपोर्ट्स भी है जो आप दे सकते हैं, और भी रिपोर्ट्स है जो आपके पास है तो दे सकते हैं, तो लेकिन है जो आपको 400 वर्ड में ही लिखना है और इसके थोड़ा सा लास्ट में टिप्पणी करना जो वर्ड है उसमें है जो आपको बैलेंस करना है। तो समाधान के रूप में अल्पकालिक समाधान और दीर्घकालिक समाधान के बारे में आप है जो लिख सकते हैं, परिवार नियोजन, मातृत्व कल्याण, लड़कियों की शादी की उम्र में बढ़ोतरी, अभी जानते हैं दोस्तों की जे की अध्यक्षता में जो 21 वर्ष करने की उम्र में, बहुत ऐसे देश है, ऐसे तो टोटल वर्ल्ड का 65% है जहाँ महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन चीन, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर जैसे देश में 21 बरस है। और यह जो रिपोर्ट्स अगर बढ़ती है तो आप जानते हैं कि ग्रेजुएट होने की संख्या भी बढ़ेगी, महिलाओं है जो आर्थिक रूप से आत्मबल होगी और सशक्त होगी, मातृत्व दर घटेगा, शिशु मृत्यु दर घटेगा, कुपोषण की समस्या कम होगी, जो महिलाओं की जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती है उसमें कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं है जो वो भी है जो अपने है जो आत्मबल से है जो आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेगी ताकि जो आर्थिक विकास में सहयोग कर सके। और बिहार में आप है जो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार सेवे निश्चय योजना में 35% आरक्षण की बात की गई है, जिसमें जो एनएसओ का रिपोर्ट आया है कि 25% महिलाएं हैं जो वर्तमान समय बिहार में है जो इस क्षेत्र से जुड़ी है, और कहीं ना कहीं है जो एक आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर महिलाएं बनने की है जो कोशिश में है। और कहा जाता है दोस्तों कि अगर इस चीज को किया जाए तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास है जो होगा। तो दीर्घकालिक में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी को दूर करने के उपाय के लिए आप है जो इसके कहे, तो एक है जो बैलेंस करके, और लास्ट में है दोस्तों कि आप है जो इसको एक दीर्घकालिक और एक विजन, विजनरी आप है जो एक लास्ट का इसका देने के बाद है जो इस पे आप एक निश्चित रूप से है जो आप एक सकारात्मक भूमिका में देखिएगा, जिसके कारण है जो आप जो लास्ट में उसको कंक्लूजन बोला जाता है, जो कंक्लूजन है जो एक दीर्घकालिक और भविष्यगामी के रूप में है जो लिखकर 5 लाइन में आप है जो उस आंसर को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज का जो एक फॉर्मेट था उस फॉर्मेट को हम देने की कोशिश किए हैं ताकि जो कम समय में आप है आपकी तैयारी है जो पूरा हो सके। और इस पे है जो आगे आने वाला समय में भी कोई क्वेश्चंस होगा तो आप बताइएगा, उस क्वेश्चंस को भी हम है जो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो एक फॉर्मेट था दोस्तों जिसको है जो हम आपके सामने रखे हैं। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो मेरी मानक है काम करने का वो आपको पसंद आए। और जरूर है जो असेसमेंट कीजिएगा दोस्तों कि कितना नंबर 38 में आप है जो दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप है जो अपनी तैयारी को अपने सफल बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार के कोई टॉपिक के बारे में अगर बात करनी हो तो आप है जो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम है जो उस पर जो निश्चित रूप से 2 आया हुआ है WHO के बारे में और एक और उसको हम बना रहे हैं, उसको जो जल्द है जो आपको अपलोड करेंगे ताकि है जो आपकी है जो परेशानी है जो दूर हो सके। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।